एकदम भगाएंगे बाप। देख लीजिए एसएसपी साहब, ये है पटना का बदतमीज थानेदार। आवेदन देने गई लड़की से कहा अपने बाप को बुलाओ। राजधानी पटना के सचिवालय थाने में अगर एफआईआर दर्ज कराने या आवेदन देने आते हैं तो जरा संभल जाए। यहाँ का थानेदार ऐसा है कि आपको पुलिसिया रौब से सामना करना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सचिवालय थाना के प्रभारी सीपी गुप्ता का वीडियो ही सब कुछ कह रहा है। वायरल वीडियो में न सिर्फ थानेदार ने रौब दिखाया है बल्कि एक महिला से बदतमीजी से बात की और बंद हवालात में करने तक की धमकी दे दी। पास एक लड़की का मोबाइल कुछ बदमाशों ने छीन लिया था। इसके बाद पीड़ित लड़की इस संबंध में शिकायत करने के लिए थाने पहुंची थी। नहीं तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं ना, वही बात बात से बुलाए तो सचिवालय पुलिस को बुलाए तो कोई बात के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बात कर रहे हैं, बाप को बुला, ये कोई बात करने का तरीका है मैडम। आपका इशू क्या है? मोबाइल छोड़ी हुआ तो हमारे पास रिसीविंग चाहिए मैडम। तो अच्छे से बोलिए कि जाइए, इन्वेस्टिगेशन रूम ठीक है तो बोलना चाहिए ना कि आप लोग बाहर जाइए। यहाँ लड़की ने आवेदन तो दिया लेकिन वह रिसीविंग के लिए रुकी रही। इस पर उसे कहा गया कि अभी नहीं मिलेगा। जब पीड़िता रिसीविंग लेने की बात पर अड़ी रही तो थानेदार सीपी गुप्ता आग बबूला हो गया। इस दौरान उसने लड़की के साथ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। थानेदार सीपी गुप्ता यही नहीं रुका बल्कि थाने से भगाने तक की बात कह दी। पीड़िता ने कहा कि उसका यह हक है तो सीधे जवाब मिला कि बंद करो इसको। थानेदार ने तेवर कहा, जिसे बुलाना है बुलाओ ना, अपने बाप को भी बुला लो। हालांकि वीडियो में पीछे से किसी महिला अधिकारी की भी आवाज आ रही है, वो समझा रही है। थानेदार ने नहीं दिया कोई जवाब। इस मामले में थानेदार से पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज ने फोन किया तो एक लाइन में कह दिया कि जो भी बात करना है लड़की से की जाए, यह कहकर फोन काट दिया। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, लिखा, यही बिहार की सच्चाई है जिस पर आप नीतीश कुमार बहुत करीने से पर्दा डाल लेते हैं। बुलाए तो सचिवालय पुलिस को कोई बात के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बात कर रहे हैं, बाप को बुला, ये कोई बात करने का तरीका है मैडम। आपका इशू क्या है? मोबाइल छोड़ी हुआ तो हमारे पास रिसीविंग चाहिए मैडम। तो अच्छे से बोलिए कि जाइए, आपको तो 5 बार से बोला गया इन्वेस्टिगेशन।